मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का 26 जनवरी से श्री गणेश होने जा रहा है। और कोडावर के एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और इसमें कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। और साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि देहरादून में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी जिसमें राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड केस पर डीएम पौड़ी के माध्यम से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है और इस पत्र के माध्यम से अंकिता भंडारी के पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के खिलाफ कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाए। और अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता की जरूरत उन्हें थी, लेकिन इस केस में आरोपियों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया है कि आरोपी पुलकित सौरभ और अंकित की तरफ से कोडावर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में कोडावर एसडीएम कोर्ट में नियुक्ति सहायता जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सजवार द्वारा अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से वकालतनामा दाखिल कर आरोपियों के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी की शासकीय अधिवक्ता द्वारा की जा रही है, जबकि पूर्व में इनके ही जूनियर जितेंद्र रावत जो कि रिमांड अधिवक्ता हैं, आरोपियों ने बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर नियम और न्याय विरोधी कार्य किया था और ऐसे में दोनों ही वकीलों पर कार्रवाई करने के लिए वीरेंद्र भंडारी ने सीएम को पत्र लिखा है। देखिए, इसमें हम हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो रखे हैं कि एक क्रिमिनल साइड का एक बढ़िया लॉयर मिलेगा हमें जो कि अंकिता की पैरवी करेगा। तो इस ऑर्डर को हुए करीब एक महीना होने वाला है और अभी तक वो लॉयर हमें नहीं मिला है, ना हमसे किसी ने बात की है सरकार की तरफ से, ना अंकिता के फादर से बात की है, किसी से कोई बात नहीं है कि कौन सा वो वकील है जो हमें मिलेगा। एक तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि सरकार ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाएंगे आरोपियों के। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कैंप में आयोजित पार्टी के दौरान राफ्टिंग गाइड ने लड़की से छेड़छाड़ की थी और समझाने पर गाइड ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के एक दोस्त को पहले जमकर लात घूसों से मारा, फिर सिर पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी की राफ्टिंग गाइड के खिलाफ नामजद और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। मैं प्रखर सक्सेना 31 दिसंबर की रात ऋषिकेश में क्यारकी रिजॉर्ट में अपने दोस्तों के साथ में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने गया था और हम लगभग 10 लोग वहां पे गए थे जिसमें से एक कपल था। तो हम लोग डांस कर रहे थे, उसी बीच एक लड़का आया और उसके कुछ दोस्त भी थे। लड़के का नाम जो पता चला है लक्ष्मण सिंह नेगी, वो आया अपने कुछ दोस्तों के साथ में और उसने हमारे साथ जो एक लड़की थी उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसको हमने रोका जब तो वो गाली गलौज करने लगे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उसी बीच क्या हुआ कि मुझ पर लगभग पीछे से लक्ष्मण सिंह नेगी ने किसी धारदार चीज़ से वार किया जिससे मेरे कान में बहुत गहरा जख्म हो गया और मेरे सर पे भी चोट आई हुई है, आप देख सकते हैं। पौड़ी पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते साल कोटदावर निवासी एक महिला द्वारा अभियुक्त परमेंद्र आसवाल पर जमीन लेने के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और जिसके बाद महिला द्वारा इस संबंध में
कोतवाली कोटदावर के संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए और मगर अभियुक्त द्वारा लगातार अपने ठिकानों को बदला जा रहा था, जिसके बाद पुलिस कप्तान पौड़ी द्वारा ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके बाद अभियुक्तों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ में अभियुक्त ने अलग अलग व्यक्तियों से जमीन बेचने के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस कप्तान पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही अभियुक्त के अन्य अपराधी इतिहास की जानकारी भी पुलिस द्वारा ली जा रही है। हरिद्वार में 6 महीने से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर के घर बहादुराबाद पुलिस ने थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में कुर्की की है। और आपको बता दें कि आरोपी हिस्ट्री शीटर के घर की खिड़की, दरवाजे, चौखट सहित अन्य सामान संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। हिस्ट्री शीटर आरोपी के खिलाफ चैन स्नैचिंग, लूट, डकैती, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराएं में मुकदमा दर्ज है। थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया है कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे और इसके बाद से आरोपी फरार था और अब बहादुराबाद पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की प्रक्रिया जो है पूरी करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बहादुराबाद थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में बहादुराबाद और शांतरा शाह चौकी प्रभारी शांतरा शाह अहमदत्त भारद्वाज सहित भारी पुलिस बल सहित फरार हिस्ट्री शीटर चमन उर्फ फयाज पुत्र मुश्ताक के घर से खिड़की, दरवाजे, चौखट सहित अन्य सामान संपत्ति को कुर्क किया गया है। बिजनौर के ग्राम पंचायत तुरतपुर के ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक विकास पंचायत अधिकारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित किया और ग्रामीणों की समस्या सुनी है। और इस दौरान ही सहायक विकास पंचायत अधिकारी ने आवारा पशुओं के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जनपद में बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या को लेकर बिजनौर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गांव-गांव जाकर चौपाल करने के लिए निर्देश दिए और इस मुहिम में खुद जिलाधिकारी उमेश मिश्रा भी जाकर ग्राम चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ताकि गांव से जुड़ी हर समस्या को खत्म किया जा सके। और आज भी विकास खंड अफजलगढ़ के गांव तुरतपुर में सहायक विकास पंचायत अधिकारी ललित प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ललित प्रताप सिंह ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण भी किया है। और साथ ही ललितपुर प्रताप सिंह ने आवारा पशुओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ललित प्रताप ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पशु को आवारा छोड़ दिया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आसपास घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की कवायद भी शुरू कर दी गई है और जल्दी किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले आवारा पशुओं के से ही किसानों की निजात भी है वो दिलाई जाएगी। मेरा नाम ललित प्रताप सिंह है, मैं विकास खंड अफजलगढ़ में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर तैनात हूँ। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप जो गांव की समस्या गांव में निस्तारण हेतु ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाना है, उसके तहत आज 6 जनवरी में ग्राम पंचायत तुरतपुर के पंचायत घर पर चौपाल का आयोजन किया गया है। शासन की इस चौपाल के तहत मंशा ये है कि ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर गांव की जो समस्या है, मूलभूत कोई समस्या हो गांव की, उसका निस्तारण मौके पर किया जाना और मौके पर यदि निस्तारण संभव नहीं है तो उसे संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाना है। बिजनौर में चलते ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने खुदकुशी कर ली है। अभी युवक की खुदकुशी का कारण पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वहीं मामले की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि पूरा मामला थाना धामपुर के रेलवे फाटक का बताया जा रहा है।
बाराबंकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। तो वहीं भाजपा भी ग्राम पंचायत चौपाल कार्यक्रम कर रही है और इसी क्रम में ही बाराबंकी के विधानसभा हैदरगढ़ के सिंधियावा ग्राम पंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चौपाल के बहाने पूरी जनसभा को संबोधित करके चले गए और इस कार्यक्रम में आसपास के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगने की खबर को लेकर जिला प्रशासन चौक चौबंद रहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और वहीं महिलाओं को कंबल भी वितरित किया गया और इस कार्यक्रम में खाद्य और रसद विभाग के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, अर्चना मिश्रा और इसके साथ ही भाजपा नेत्री हैदरगढ़ और विधायक दिनेश रावत, सिद्धौर ब्लॉक प्रमुख आरती रावत, विधायक कुर्सी साकेंद्र वर्मा, जिलाध्यक्ष शशांक मौजूद रहे और ग्राम पंचायत सिधियावा में सवे सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही कई उत्पादों के बारे में महिलाओं से जानकारी प्राप्त की है। खबर उन्नाव से है। उन्नाव में घटिया निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। यहां उद्घाटन से पहले ही महाराजा सातन पासी द्वारा का पार्थिव गिर गया है, पत्थर गिर गया है। आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आई है, महाराजा सातन पासी का द्वार जो था तिकोनिया तिराहे पर बना है। द्वार के टाइल्स गिरने से कई राहगीर बाल बाल बच गए और इसके साथ ही मामला बागर मऊ नगर के तिकोनिया तिराहे का बताया जा रहा है, जहां पर टाइल्स गिरने की खबर सामने आई है। घटिया निर्माण का भी इसमें मामला सामने आया है। तो आपको उन्नाव से खबर बता रहे हैं, जानकारी दे दें कि घटिया निर्माण कार्य की अब पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये भी जानकारी है कि उन्नाव में घटिया निर्माण कार्य की अब पोल खुल गई है। यहाँ उद्घाटन से पहले ही महाराजा सातन पासी द्वार का पत्थर गिर गया और आपको ये भी जानकारी दे दें, महाराजा सातन पासी का द्वार तिकोनिया तिराहे पर बना है और द्वार के टाइल्स गिरने से कई राहगीर बाल बाल बच गए। पूरा मामला आपको बता रहे हैं बागर मऊ नगर के तिकोनिया तिराहे का है। खबर उन्नाव से है, जहां पर पूर्वा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में बुखार के साथ शरीर पर दाने पड़ने से लगभग 25 दिनों में 5 बच्चों की मौत की खबर सुनने में आ चुकी है। बता दें आपको कि उन्नाव की पूर्वा तहसील के मोहल्ला दलीगढ़ी में बुखार और शरीर पर दाने पड़ने से पीड़ित 2.5 साल के एक बच्चे और इसके साथ ही बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। वहीं उसके 4 साल के बड़े भाई की हालत गंभीर बनी हुई है और बच्चे का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्नाव के पूर्वा तहसील क्षेत्र के दलीगढ़ी मोहल्ला में 17 बच्चों में बुखार और शरीर में दाने निकलने की समस्या पाई गई है और वहीं अब तक विचित्र बुखार और शरीर में दाने निकलने से बीमार हुए बच्चों की संख्या 100 हो गई है। वहीं पूर्वा सीएचसी के डॉक्टर तपन गुप्ता ने बताया है कि यहां बड़ी संख्या में बच्चे खसरे के लक्षण वाली बीमारी से बीमार हैं और हमने 100 से ज़्यादा बच्चों का इलाज किया है, काफ़ी बच्चे सही होकर घर जा चुके हैं, दुर्भाग्य से हमें कुछ बच्चों को खोना भी पड़ा है। बाराबंकी में राम जन्मभूमि से जुड़े महंत और संगठन के अन्य लोगों द्वारा पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के सवाल पर बयानों से पूरी तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नकारते हुए कहा है कि अगर कोई किसी की अगर कोई प्रशंसा किया तो उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, उनको उत्साहित होने की दीजिए, मगर हमारे संगठन के कोई वरिष्ठ लोग हैं और उन्होंने कहा है कि उनमें मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। बाराबंकी के सिंधियावा गांव में आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वप्रथम पंचायत भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद आयोजित ग्राम चौपाल को मंच से संबोधित करते हुए उपस्थित भारी भीड़ को मंच से संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले केंद्र से 100 आता था, अब 85 बट जाता था।
जनता को केवल 15 मिलते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने ये इंतजाम किया है कि सीधे सीधे सारा पैसा गरीबों के काम में आए, और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये सारा पैसा जनता का है और जनता को ही मिलेगा। तो बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है, उन्होंने जनता की हक की बात की है, और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि लोकार्पण भी किया है। उन्होंने विलंब से पहुंचे थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वप्रथम पंचायत भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद ही आयोजित ग्राम चौपाल को मंच से ही संबोधित करते हुए, वहां मौजूद भारी भीड़ को मंच से ही संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले केंद्र के पास 100 रुपये आता था और फिर 85 बट जाता था, जनता को केवल 15 रुपये मिलते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने यह इंतजाम कर दिया है कि सीधे सीधे सारा पैसा गरीबों के काम आए और केंद्र और प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सारा पैसा जनता का है, और क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही केंद्र और प्रदेश में सरकारें बनी हैं। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में शातिर लुटेरा चंद्रमा प्रसाद का पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गया और इस दौरान आरोपी घायल हो गया। अपराधी के बाएं पैर पे गोली लगी है और वहीं पुलिस को अपराधी के पास हथियार, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अपराधी पर पहले से 20 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि बीजेपी पदाधिकारी शिकायत करने थाने पहुंचे थे। आरोप है कि दरोगा ने बीजेपी पदाधिकारी को पिटाई करते हुए लॉकअप में डाल दिया और जिसके बाद नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर लिया और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी पदाधिकारियों को लॉकअप में डालते वीडियो भी वायरल हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरोगा आशीष कुमार आनंद पांडे पर पिटाई का आरोप है। मामला डीसीपी साउथ जोन के बर्रा थाने का बताया जा रहा है, जहां पर यह पिटाई का मामला सामने आया है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों को दरोगा की तरफ से ये प्रताड़ना दी गई है। बताया जा रहा है दरोगा ने थप्पड़ जड़े हैं, शिकायत करने पहुंचे थाने पर पीड़ित के द्वारा ही इसको लेकर बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे और बीजेपी पदाधिकारियों को दरोगा ने यहां पर थप्पड़ जड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसने पीड़ित को ही बाहर कर दिया और इसके साथ ही वीडियो बनाने से भी दरोगा ने मना कर दिया। महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बलिया नाला पुल के पास में महाराजगंज के गोरखपुर की तरफ जा रही एक कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार धूं धूं करके जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कार में बैठे ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है और इसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन कार का इंजन काफी हद तक जल गया। वहीं समय से आग पर काबू पाने से एक बड़ी घटना होते होते बच गई। तो महाराजगंज से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण बताया जा रहा है कि ये भीषण आग लगी है, ये भी जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि सभी लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, लेकिन गाड़ी का जो इंजन था वो जलकर राख हो चुका है। वहीं पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और तमाशा देखने लगे। आपको बता दें महाराजगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के ही बलिया नाला पुल के पास ये घटना हुई। महाराजगंज से ही गोरखपुर की तरफ जा रही एक कार में अचानक आग लग गई और जिसके बाद कार जो थी धू धू करके जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कार में बैठे ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया है। कुछ स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इन लोगों की मदद की है और आग पर काबू भी पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।